रूमिंग कुछ भी हो गया टू फिफ्टी तो आप भी कर सकते हो, इसलिए आपके सिर के ऊपर आने जाने के रास्ते साइंटिफिकली ये एक्चुअली क्या बहुत सारी चीजें साइंटिफिकल है जिसको उसी तरीके से इंटरप्रेट इसलिए कर लेते हैं कि उसको आपकी डर से तो किसी चीज को मान लेता है लेकिन साइंस की वजह से आपकी नहीं मानता, डर से आप ज्यादा मान पाते हैं, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, इसीलिए आपको ऊपर बड़ी हो गया। अच्छा कट ईस्ट का मतलब क्या होता है कि जिसे कोई भी डायरेक्शन है वास्तु से एक कोई भी डायरेक्शन होती है वो पूरी होनी चाहिए, है ना। तो कट ईस्ट का मतलब ये होता है कि अगर वो कटा हुआ है साउथ वेस्ट में कभी भी पानी नहीं होना चाहिए, ये ड्राई डायरेक्शन जितनी रहेगी उतना अच्छा रहेगा, स्टोर के लिए अच्छा है, बेडरूम के लिए अच्छा है, बट नॉट गुड फॉर एनी काइंड वाटर एक्टिविटी ओवर हियर, वॉशरूम वगैरह यहाँ पे नहीं बनाना चाहिए। देन एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है, बहुत छोटी सी है लेकिन लाइफ को इफेक्ट कर जाती है, शायद उसके बारे में आप लोगों का ध्यान भी नहीं जाता होगा, और इट इज वेरी मच रिलेटेड विद द वास्तु, दैट इज घड़ी क्लॉक। ठीक है, घड़ी से मतलब ये वाली नहीं है, वॉल क्लॉक की बात करते हैं। वॉल क्लॉक हम प्लेस कर देते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता वॉल क्लॉक प्लेस करने से भी हमें फायदा या नुकसान हो रहा है। देखिए वॉल क्लॉक में दो तीन चीजें होती जो आपको ध्यान रखनी होती, एक तो वॉल क्लॉक का कलर, उसका कलर, उसका शेप, शेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और तीसरी चीज आती है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आपको प्लेस करनी चाहिए। आइडियल डायरेक्शन फॉर कीपिंग वॉल क्लॉक इज ओनली ईस्ट एंड नॉर्थ, ठीक है। घड़ी को हमेशा ईस्ट या नॉर्थ वॉल पे लगाना चाहिए, इसके अलावा अगर आप कहीं भी लगाते हैं घड़ी को, कहीं भी आप लगाते हैं तो वेस्ट या साउथ में लगाते हैं तो डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकती है घड़ी, तो घड़ी को कभी भी और साउथ में तो कभी नहीं लगाना चाहिए, साउथ वॉल पे नेवर एवर कीप अ वॉल क्लॉक ऑन द साउथ वॉल, क्योंकि वो साउथ की नेगेटिव एनर्जी को रोटेट करना शुरू कर देती है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है शेप ऑफ द क्लॉक, शेप क्या होनी चाहिए। आइडियल शेप टू पुट द वॉल क्लॉक इज अगर आप ईस्ट में लगाते हो, या कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, चाहे हम अपने एग्जाम्स में मेहनत करें, चाहे हम अपने जॉब में मेहनत करें, चाहे हम अपने बिजनेस में मेहनत करें, तो कई बार क्या होता है डिजायर्ड रिजल्ट ही नहीं मिल पाते, है ना। हम करते चले जाते लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाते। कई बार क्या होता है कि हमारी कनेक्टिविटी स्ट्रांग नहीं हो पाती, जैसे आप लोग जैसे सपोज इंटीरियर डिजाइनर्स हैं तो आप लोगों का जितना पीआर अच्छा होगा, पब्लिक रिलेशंस आपके जितने अच्छे होंगे उतने ही आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, उतने ही आपके पास कस्टमर्स आएंगे, क्लाइंट्स आएंगे, उतना काम बढ़ेगा। साइमल्टेनियसली एक शॉपकीपर के लिए भी जितने रिलेशंस अच्छे होंगे उसके अपने कस्टमर्स से, उतना उसको बेनिफिट होगा। तो हमारे रिलेशंस आपको क्या खराब फील आएगी ना, ऑफिस में घुसते देखोगे आप एक नेगेटिव चीज़ दिख रही है आपको तो आपको गलत इंप्रेशन आता है, और उसकी जगह अगर आपके यहाँ पे कोई बहुत फ्लेवर्ड चीज़ है
तो आपको अच्छा लगता है।